हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश बजट जो रहता है 2021-2022 का। इट इज अ पार्ट थ्री और इसकी हमने एक कंप्लीट एनालिसिस जो हम इसकी डिस्कस कर रहे हैं। सो फार टू पार्ट्स और टू लेक्चर में इंसुलेटेड जो डाल चुका हूँ और डायरेक्टली हम जो बजट स्पीच जो रहती है हमारे ऑनरेबल सीएम जिनके पास फाइनेंस पोर्टफोलियो जो रहता है उनकी बजट स्पीच से ही हम इसको जो है डिस्कस कर रहे हैं ताकि कोई भी कंसेप्ट जो है आपका बिल्कुल ना छूटे और यहाँ से जो भी क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन जो भी बजट या इकोनॉमिक सर्विस आते हैं वो जो आप एग्जामिनेशन में जो है सही ढंग से अटेम्प्ट उनको कर सकें। और ये देखिए स्पेशली प्रिपेयर्ड सीरीज आती है फॉर एचपीपीएससी, एचपीएस, एचपी, एसएससी, एचपी, ट्रिपल एसबी, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज और अदर स्टेट लेवल जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन रहते हैं। तो लेट अस बिगिन। अगर सो फार आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी एडिक्टेड अकेडमी करके जो हमारा चैनल जो यूट्यूब पे रहता है मेक श्योर टू प्रेस दी बेल आइकन ऑल्सो ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ऑलरेडी जो है 5500 जो है चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो पार्ट टू में हमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट इसमें आता है कि सीएम प्रपोज करते हैं टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ 75 करोड़ इन दी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 अंडर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसे जो है एसलेट होगी, तेजी होगी और प्रोसेस ऑफ रोड कनेक्टिविटी टू द लेफ्ट आउट विलेजेस एंड इनहेबिटेंट्स और प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर जो है मोर देन 50% रहता है प्रीवियस आउटले से। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ रोड जो है अंडरटेकन की जा रही है यूजिंग, देखिए रोड को जो है डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ रोड्स है उसमें देखिए माइक्रो सर्फेसिंग, बिटुमिन स्लरी, देखिए बिटुमिन की जो स्लरी है वो रोड के बनने के बाद उसकी परतों को इसमें चढ़ाई जाती है। फॉग सील टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है विच विल हेल्प इन कीपिंग देम फ्री ऑफ प्लॉट होल्स एंड इन गुड कंडीशन। रोड बनने के बाद जो लास्ट में इस तरह से ब्लैक जो कोटिंग जो चढ़ाई जाती है बिटुमिन स्लरी की, इससे जो है रोड लाइफ जो है इंक्रीज होती है और एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंडर ये जो है मेथड आता है। इस बार सीएम अनाउंस करते हैं अमाउंट ऑफ 50 करोड़ जो है स्पेंड किया जाएगा ऑन डब्ल्यू मेटल बीम क्रैश बैरियर्स टू इंक्रीज रोड सेफ्टी। और इसके साथ साथ ये बोलते हैं फ्यूचर में डब्ल्यू मेटल बीम क्रैश बैरियर जो है ऑल्सो भी प्रपोज्ड होंगे फॉर नबार्ड एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो रोड के जो वर्क चलाए जाते हैं उसमें भी। तो ध्यान रखना डब्ल्यू मेटल बीम क्रैश बैरियर जो रहते हैं उनके लिए 50 करोड़ जो है सरकार जो है 2021-2022 में जो है स्पेंड करेगी। अब डब्ल्यू मेटल बीम क्रैश बैरियर्स कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सभी ने रोड में ट्रेवल करते हो इस तरह से रोड के साइड में जो है इस तरह से जो है मेटल जो बैरियर्स इनको देखा होगा, तो इनको जो है डब्ल्यू मेटल बीम जो क्रैश बैरियर्स इनको जो है बोला जाता है। इसके बाद आगे सीएम बोलते हैं एचपी रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन है वो वर्क करेगी ऑन अर्बन रोड इंप्रूवमेंट प्लान। तो जो अर्बन रोड जो इंप्रूवमेंट प्लान है इसको जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो है इसमें वर्क किया जाएगा, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर एंड ऊना। और वर्क सच एज अपग्रेडेशन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपास, ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्ट्रीट्स एंड इंप्रूवमेंट जंक्शन जो है टेकन किया जाएगा इन डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद गृह काउंसिल। गृह जो एक ग्रीन रेटिंग ग्रीन रेटेड इंटीग्रेटेड हैबिटेट जो असेसमेंट जो काउंसिल रहती है ये जो है ग्रीन रेटिंग जो है हाउसेज की करती है, किस तरह से वहाँ से वेस्ट निकलता है और किस तरह से जो है कंजप्शन किसी हाउस में होती है और उस हिसाब से इनकी ग्रीन रेटिंग ये करती है ताकि एनर्जी कंजप्शन एनर्जी कंजर्वेशन को जो है इम्प्रूव किया जा सके। और ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग ये जो प्रोवाइड करती है इन इंडिया टू रेट ऑफ 200 एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑन गृह रेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग 2021-22। 200 जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स हैं ऑन गृह रेटिंग सिस्टम के ऊपर इनको जो है लाया जाएगा। इन एडिशन प्रोग्राम जो रेट्रोफिट करेगा एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग हीटिंग, दोबारा से वापस लाएगा एनर्जी एफिशिएंट जो लाइटिंग हीटिंग है, कूलिंग एप्लीकेशन इन 1000 बिल्डिंग्स। और ये जो है स्टार्टेड होगी इन कॉर्पोरेशन विद एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड। और इसके बाद सीएम अनाउंस करते हैं कि मैं प्रपोज करता हूँ टू रिस्ट्रक्चर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स इन व्यू ऑफ जो भी चेंजेस जो टेक्निक्स हो रही है रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की टू इंप्रूव द फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। गृह की आप ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हैं गृह जो एक रहता है फॉर ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट और गृह जो एक अबाउट ये देखिए जनरली इनका जो विजन रहता है स्टैंड फॉर क्रेडिबिलिटी इंटीग्रेटिंग इंप्रूवमेंट्स व्हाइल अपलोडिंग इंडिया एथोस फॉर फ्यूचर रेडी एंड सस्टेनेबल हैबिटेट। और देखिए गृह का जो बेसिक जो फीचर्स जो रहते हैं ये जो बिल्डिंग्स की जो है रेटिंग्स करते हैं ग्रीन रेटिंग जो है ये बिल्डिंग्स की जो है करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड टू डिजाइन एंड इवैल्यूएट न्यू बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स दैट आर स्टिल एट द इंस्पेक्शन स्टेज। बिल्डिंग असेसमेंट जो बेस्ड ऑन इज प्रेडिक्टेड परफॉर्मेंस ओवर द एंटायर लाइफ साइकिल जिसमें इंस्पेक्शन थ्रू ऑपरेशन स्टेजेस रहती है लाइफ साइकिल की दैट बीन आइडेंटिफाइड फॉर एवोल्यूशन एज प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में ये देखिए असेसमेंट करेंगे इंट्रा एंड इंटर साइट इश्यूज लाइक प्रॉक्सिमिटी टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाइप ऑफ सॉइल्स काइंड ऑफ लैंड वेयर द प्रॉपर्टी लोकेटेड द फ्लोर एंड फौना ऑन द लैंड बिफोर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी द नेचुरल लैंडस्केप एंड फीचर्स बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्टेज रहती है इश्यूज ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन और रिडक्शन इन रिसोर्स डिमांड्स रिसोर्स स्टेबिलाइजेशन एब्सेंस रिसोर्स रिकवरी एंड यूज
बिल्डिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टेज के ऊपर, इशू ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग सिस्टम प्रोसेसेस, मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी कंजप्शन एंड ऑक्यूपेंट हेल्थ एंड वेलबिंग एंड ऑल्सो इशू द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल एंड लोकल एनवायरमेंट। और बेनिफिट्स देखिए इससे क्या होते हैं, रिड्यूस होगी एनर्जी कंजप्शन विदाउट सैक्रिफाइसिंग द कंफर्ट लेवल्स, रिड्यूस्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एरियाज हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी, रिड्यूस सॉइल लॉस फॉर इरोजन एटसेट्रा, रिड्यूस्ड एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, रिड्यूस होगा इस वाटर कंजप्शन, लिमिटेड वेस्ट जनरेशन ड्यू टू रिसाइक्लिंग एंड यूज, रिड्यूस्ड पॉल्यूशन लोड्स, इंक्रीज यूजर प्रोडक्टिविटी, एनहांस्ड इमेज एंड मार्केटेबिलिटी। जैसे सीएम बोलते हैं कि मार्ज जर्नी है रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की, वो उसने जो काफी बड़ा माइलस्टोन जो अचीव कर लिया है। प्रेजेंटली स्टेट में जो है 38,470 किलोमीटर ऑफ लॉन्ग मोटरेबल रोड्स हैं, यानी कि जिनके ऊपर गाड़ियां चला सकती हैं, ऐसे रोड जो 38,470 किलोमीटर के रोड हैं। और हमारी जो सरकार है वो एम करती है कि इस लेंथ को जो 40,000 किलोमीटर तक करना है बाय 2022। सिमिलरली जो लेंथ जो रहती है ब्लैक टॉप रोड की, यानी कि जो रोड है जो पक्के हैं मेटल रोड है, उनको जो इंक्रीज किया जाएगा फ्रॉम 30,244 किलोमीटर टू 34,000 किलोमीटर बाय 2022। और ह्यूज एक्सपेंशन जो है नोड नेटवर्क में जो है की जा रही है, और इससे जो मेंटेनेंस भी जो है रोड की जो है काफी जरूरी हो जाती है, इट ऑल्सो नीड्स इंपॉर्टेंट लोकल यूथ। तो देखिए अब इतने बड़े रोड्स आपने बना दिए हैं तो इनकी मेंटेनेंस भी काफी जरूरी चीज है, इसलिए इनकी मेंटेनेंस के लिए जो है सीएम प्रपोज करते हैं कि 5,000 लोकल यूथ को एज अ पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स जो है फॉर मेंटेनेंस एंड राइट टास्क ऑफ दी डिपार्टमेंट जो रहता है पीडब्ल्यू, उसमें इंगेज किया जाएगा। उसके बाद ये बोलते हैं कि आई प्रेजेंट द फॉलोइंग टारगेट्स ऑफ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो फॉलोइंग टारगेट्स 21-22 के सीएम ने रखे हुए हैं, मेटलिंग एंड टेयरिंग 2,000 किलोमीटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटरवे रोड्स 1,000 किलोमीटर, क्रॉस ड्रेनेज ऑन 945 किलोमीटर रोड, ब्रिज टू बी कंस्ट्रक्टेड 80 विलेजेस, सॉरी ब्रिजेस टू बी कंस्ट्रक्टेड 80, विलेजेस टू बी कनेक्टेड विद रोड्स 90, रोड्स अपग्रेडेशन 800 किलोमीटर, प्योरिटी रिन्यूअल 2,200 किलोमीटर, और 4,502 करोड़ की जो है बजट एलोकेशन जो पीडब्ल्यू डी डिपार्टमेंट की है, जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उनकी एलोकेशन जो है 4,502 करोड़ की जो है एचपी के बजट में जो रखी गई है। नेक्स्ट टैक्सेस और एक्साइज की जो है सीएम बात करते हैं, इसमें बताते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये स्टार्ट करी है टैक्स हट प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स एक्सपेशली ट्रेडर्स एंड कम्युनिटी टू स्टेबलाइज बेटर कम्युनिकेशन, ट्रेडर्स फैसिलिटेशन सेल भी जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि उनके टैक्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम ट्रेडर फेस करें उनको रिजॉल्व किया जा सके। और इसमें सीएम ने पर्पज किया है कि रीऑर्गनाइज द जीएसटी एंड एक्साइज विंग ऑफ द स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट फॉर बेटर मैनेजमेंट। और इसके बाद ये बोलते हैं कि स्पीकर सर कमर्शियल हेम्प कल्टीवेशन, देखिए हेम्प बोलते हैं भांग को, तो कमर्शियल हेम्प कल्टीवेशन को परमिट रेगुलेटेड जो है काफी ज्यादा कंट्रीज और स्टेट में इन सम स्टेट्स इन इंडिया में जो किया गया है, तो दिस क्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर देखिए कैनबिस की कल्टीवेशन को रेगुलेट अगर स्टेट गवर्नमेंट करती है तो इससे इन्वेस्टमेंट और इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स एज वेल एज रोप्स वगैरह बनाने में, रस्सी वगैरह बनाने में जो है भांग का जो है यूज होता है, तो इसका जो है सही यूज भी किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने जो है सदन में जो है अपने विधानसभा में जो मुद्दा उठाया, और स्टेट गवर्नमेंट जो प्रपोज करती है फ्रेम ऑफ पॉलिसी टू परमिट कमर्शियल हेल्प कल्टीवेशन, तो कमर्शियल हेल्प कल्टीवेशन से रिलेटेड भांग की कमर्शियल कल्टीवेशन से रिलेटेड जो है पॉलिसी बनाने से रिलेटेड जो है फ्रेम करने की जो है इन्होंने जो है बात कही, यानी कि इन्होंने बोला कि हम जो है एक पॉलिसी फ्रेम करेंगे टू परमिट कमर्शियल हेम्प कल्टीवेशन जिसमें प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो ये बनाएंगे। लैंग्वेज आर्ट और कल्चर की इन्होंने बात की, और इन्होंने बोला कि जो भी इंटरनेशनल फेयर होते हैं उनकी असिस्टेंस जो 3 लाख से 5 लाख कर दी, नेशनल लेवल फेयर जो होते हैं उनकी 2 लाख से 3 लाख, और स्टेट लेवल फेयर जो होते हैं उनकी 1 लाख to 1.5 लाख जो है असिस्टेंस जो रही गवर्नमेंट की तरफ से वो कर दी। जितने भी इंटरनेशनल नेशनल और स्टेट लेवल फेयर होंगे उसमें एक डे जो है 50 ईयर्स ऑफ शेड्यूल के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाएगा। ग्राम शिल्प मेला जो है ऑर्गेनाइज होंगे एट चंबा कांगड़ा मंडी शिमला डिस्ट्रिक्ट। यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं टू गिविंग फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ टू ह्यूमन बींग्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो है लोकल लेवल में की रखती है यूथ को जो ये व्यस्त रखती है, और इससे वो जो है बैड हैबिट से भी जो दूर रहते हैं और उनकी जो है फिजिकल फिटनेस भी रहती है। और इसमें ये कोटेशन भी देते हैं, जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का फिर देख फिजूल है कद आसमां का। इस बात से हम बोलते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं पंचायत के कि वो जो है यूटिलाइज करें 15 फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स, जिसमें ओपर एयर जिम्स और रिक्रिएशन सेंटर्स इन पंचायत के लिए जो है ग्रांट जो दी गई है 15 फाइनेंस कमीशन की सेटिंग से यूटिलाइज करें। इस बात ये बोलते हैं कि काफी ज्यादा जरूरत है टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, तो ये बोलते हैं कि एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्टार्ट किया जाएगा टू सी दी हिमाचल यूथ परफॉर्म वेल इन दी नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशंस, समर सीजन ट्रेनिंग कैंप्स और ऑफ सीजन ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज होंगे टू प्रमोट कंपटीशन अमंग यूथ। इसके बाद ये प्रपोज करते हैं इंप्लीमेंटेशन मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना, तो मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना ड्यूरिंग 2021-2022 में ये कंटिन्यू रखी जाएगी, और इसमें एक्सपेंडिचर 10.22 करोड़ का जो किया जाएगा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं एट दूतानगर बिलासपुर एंड कांडा घाट ये जो मेड होंगे फंक्शनल दिस ईयर, ये ऑल्सो इंक्रीज करेंगे स्पोर्ट्स लाइक वॉलीबॉल बॉक्सिंग एथलेटिक्स फुटबॉल हॉकी एंड कबड्डी इन 2021-22। कंस्ट्रक्शन वर्क जो रहता है इंडोर स्टेडियम इन सुंदरनगर एंड सोलन, नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, हॉकी एस्ट्रोटर्फ
जो है माजरा, जो कि पोंटा साहिब सिरमौर में लोकेटेड है, यहाँ पर ये बनाया जाएगा हॉकी एस्ट्रो टर्फ, जो कि 14.50 करोड़ से बनाया जाएगा। इन एडिशन की कंस्ट्रक्शन वर्क जो है इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है नूरपुर चंबर जंजाली में जो स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद ये बोलते हैं कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन सोशल गार्डन पेंशन, इसमें बोलते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं वो हमारे गौरव है, हमारा प्राइड है, हमारी गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है टू एम्पावर गर्ल्स टू इंश्योर देम रिस्पेक्टफुल प्लेस इन सोसाइटी थ्रू इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स, हमारी गवर्नमेंट जो है ऑल एफर्ट्स बना रही है ताकि स्टेट में जो सेक्स रेशियो इंप्रूव हो सके, और 2011 सेंसस के अनुसार हमारी स्टेट की जो सेक्स रेशियो इज 942 2011। लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल फैमिली जो बिलोंग करती है उनको पोस्ट वर्थ ग्रांट जो है 12,000 दी जाती है। इसके साथ साथ जो इनको जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, तो सीएम अनाउंस करते हैं कि पोस्ट वर्थ ग्रांट जो 21,000 की जो है प्रोवाइड की जाएगी इन द शेप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ बर्थ बाय रेशनलाइजिंग एंड यूनिफाइंग जो टू स्कीम्स है स्कॉलरशिप एज वेल एज पोस्ट वर्थ ग्रांट की, इन दोनों को जो यूनिफाई किया जाएगा और ये इससे जो है मेकिंग द गर्ल सेल्फ रिलायंट। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो औरतें होती हैं लाइफ हाउस चेंजेस हो जाता है ड्रेस्टली शादी के बाद और उनको जो अडॉप्ट करना पता है हस्बैंड का हाउस आफ्टर लिविंग हर पेरेंट्स हाउस एज सोशल प्रैक्टिस रहती है, ये इंपॉर्टेंट रहता है फैमिली मेंबर्स एंड सोसाइटी की रिस्पेक्ट टू वुमेन। तो इसलिए एक न्यू स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट शगुन स्कीम जो है 2021-2022 में अनाउंस की गई है, तो दिस शगुन स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन पूछी जा सकती है आपसे शगुन स्कीम। तो इसमें क्या होगा शगुन स्कीम में, जो भी यंग गर्ल्स हैं जो कि एससी एसटी एज वेल एज जो बीपीएल हैं ओबीसी में, वेरी इंपॉर्टेंट इसमें एससी एसटी और जो बीपीएल रहेंगे ओबीसी के ओबीसी फैमिलीज के उनको प्रोवाइड की जाएगी ग्रांट ऑफ 31,000 एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। तो वेरी इंपॉर्टेंट एससी एसटी और बीपीएल जो रहेंगे ओबीसी के उनको 31,000 जो है एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज जो है ये ग्रांट जो है प्रोवाइड की जाएगी शगुन स्कीम के तहत। तो एक्सपेंडिचर जो 50 करोड़ जो है प्रपोज किया गया टू बी इनक्रोड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2021-2022 अंडर दिस स्कीम। इसके बाद ये बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो हाईली अप्रिशिएट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी है और इन्होंने जो एक्सपेंडेड की है सोशल सिक्योरिटी नेटिवेंसली टोटल एक्सपेंडिचर जो इंक्लूड होता था सोशल सिक्योरिटी पेंशन में जस्ट 410 करोड़ था 17-18 और 4,30,000 पेंशनर्स जो है गेटिंग करते सोशल सिक्योरिटी पेंशन एट द टाइम, करंटली दिस नंबर इंक्रीज हो चुका है टू 5,77,000 और अमाउंट ऑफ 875 करोड़ जो स्पेंड हो रहा है इसके ऊपर। इसके बाद ये बोलते हैं कि मैं काफी खुश हूँ अनाउंस करते हुए कि 40,000 एडिशनल बेनिफिट जो प्रोवाइड होंगे सोशल सिक्योरिटी पेंशन ड्यूरिंग 2021-22 एडिशनल एक्सपेंडिचर 60 करोड़। इसके बाद ये बोलते हैं कि ऑल सिविलाइज्ड सोसाइटीज हैव अ स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली पर्सन, जो भी हमारे बुजुर्ग लोग उनकी हमारी रिस्पेक्ट होती है, वी ओवर एक्सटेंड टू देम एंड वी आर हाईली इंडेप्टेड टू देम, हम इनके काफी ज्यादा ऋणी होते हैं मेकिंग अस व्हाट वी आर टुडे, इट इज अवर ड्यूटी टू सपोर्ट देम एट दिस क्रिटिकल जंक्चर ऑफ देयर लाइफ टू अवॉइड एनी हार्डशिप टू देम। स्पीकर सर ये अनाउंस करते हैं कि न्यू स्कीम स्वर्ण जयंती नारी संभाल योजना, वेरी इंपॉर्टेंट एक नई स्कीम एक और स्वर्ण जयंती नारी संभाल योजना, इसमें ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि इसमें सोशल सिक्योरिटी नेट जो रहता है एलडी वुमेन्स के लिए हिमाचल प्रदेश में उनको अनाउंस किया जाएगा। और इसमें देखिए एज ग्रुप जो रहता है, कई बार आपसे एग्जामिनेशन एज ग्रुप पूछा जाएगा कि ये जो स्वर्ण जयंती नारी संभाल योजना है ये कितनी एज तक के वुमेन्स के लिए एलिजिबल, तो ये 65 to 69 ईयर्स की जो वुमेन है इनके लिए देखिए ये स्कीम चलाई गई है स्वर्ण जयंती नारी संभाल योजना। तो जो भी एलिजिबल एलडी वुमेन होगी इन दी एज ग्रुप ऑफ 65 to 69 इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम क्राइटेरिया इनको जो है सोशल सिक्योरिटी पेंशन 1,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी और इससे जो है एटलीस्ट 60,000 जो एलडी जो बुजुर्ग जो महिलाएं हैं वो जो इससे जो बेनिफिट होगी और 55 करोड़ जो इसमें जो स्पेंड किया जाएगा जो बेनिफिट जो रहता है ओल्ड एज पेंशन स्कीम का ये गिवन किया जाएगा टू सीनियर सिटीजन हैविंग नो अदर गवर्नमेंट पेंशन इन देयर फैमिली और हु डू नॉट बिलोंग टू वेल ऑफ देयर फैमिली और इससे इंश्योर होगा कि ओनली डिजर्विंग गेट द बेनिफिट एंड नेसेसरी गाइडलाइंस जो इशू की जाएगी सबमिट इन दिस रिगार्ड। एप्रोक्सिमेटली 6.60 लाख पेंशनर्स जो है कवर्ड होंगे अंडर द डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स विद इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस अनाउंसमेंट, इससे जो एक्सपेक्टेड जो 30 करोड़ जो है पड़ेगा। और इसके बाद ये बोलते हैं कि हमारी सरकार ने एक्सटेंड कर दिया पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन 50% ऑफ द शेयर लिमिटेड टू द मैक्सिमम 2,000 रुपीज बाय द बेनिफिशियरी बिलोंग टू अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर अंडर अटल पेंशन योजना अप टू 31 मार्च 2021। आई एम हैप्पी टू अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ दिस सिस्टम अप टू 31 मार्च 2022 फॉर द एक्जिस्टिंग बेनिफिट ऑफ एक्जिस्टिंग एंड न्यू बेनिफिशियरी एंड आउटले 15 करोड़ जो अटल पेंशन योजना का जो खर्च किया जाएगा। अटल पेंशन स्कीम का आपने जो ध्यान रखना है ये 2015 के बजट में जो है अरुण जेटली जी के द्वारा जो अनाउंस की गई थी और ये अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर रहता है उनके लिए जो है ये पेंशन स्कीम रहती है 18 से 40 जो है इसमें जो है आपकी जो है ये जो रहती है और 20 साल मिनिमम कंट्रीब्यूशन में चाहिए और 60 साल के बाद जो है इसमें जो आपको जो पेंशन लग जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बोलते हैं कि अपर गवर्नमेंट विल इनकरेज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैचेस एट ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बाय द इनवॉल्वड लोकल कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्किंग वुमेन। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आदर्श
वरिष्ठ नागरिक होम जो है मसोबरा शिमला में सेटअप किया जाएगा 2021 फॉर सीनियर सिटीजंस ऑन पे एंड स्टे बेसिस। तो वेरी इंपॉर्टेंट आदर्श वरिष्ठ नागरिक होम, वेरी इंपॉर्टेंट आदर्श वरिष्ठ नागरिक होम ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये मसोबरा में सेटअप किया जाएगा सीनियर सिटीजन के लिए। इसके बाद ये बोलते हैं कि मैं अनाउंस करता हूँ जो मानदेय है आंगनवाड़ी वर्कर्स का बाई 500 पर मंथ, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स का बाई 300 पर मंथ और आंगनवाड़ी हेल्पर्स बाई 300 पर मंथ। इसके बाद ये बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है सेंसिटाइज टू द नीड्स ऑफ ऑल सेक्शन सोसाइटी एंड इज कमिटेड टू हेल्प एंड असिस्ट देम फॉर देयर ऑपर्चुनिटीज। स्पीकर सर ये बोलते हैं कि आई बिलीव दैट थॉट्स शुड बी स्ट्रॉन्गर रैदर देन द वॉइस वुड बी लाउड। और ये बोलते हैं कि वन शुड हैव इनकरेज एंड डिटरमिनेशन टू सी द स्ट्रॉन्ग थॉट्स दैट ब्रॉट टू प्रैक्टिस। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। नेक्स्ट रहता है ट्राइबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ट्राइबल एरिया जो रहते हैं स्टेट के वो कंसिडर रहते हैं मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन इंटायर कंट्री। इसमें ये बोलते हैं कि हमारी सरकार जो डेवलपमेंट दिस एरियाज नेसेसरी पोस्ट जो है क्रिएट की जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव को इंप्रूव करने में लास्ट डिस्ट्रिक्ट और 221 इंडोर स्टेडियम जो काजा में जो अपग्रेड किए जाएंगे एज हाई एल्टीट्यूड माउंटेन ट्रेनिंग सेंटर। एंटी फ्रीज देखिए वाटर सप्लाई, एंटी फ्रीज का मतलब है मतलब पानी जम ना जाए, मतलब इस तरह से वाटर सप्लाई एक प्राणी है जिसमें पानी ना जम जाए क्योंकि जब बर्फबारी काफी ज्यादा होती है विंटर सीजन में तो जो भी पाइप लाइन सप्लाईज हैं वाटर पाइप लाइन सप्लाईज है वो जाम हो जाती है। तो एंटी फ्रीज वाटर सप्लाई सिस्टम जो इस्टेब्लिश किया जाएगा इन केलोंग टू इज लाइफ ऑफ लोकल्स एंड ऑल्सो टू बूस्ट टूरिज्म इवन ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स। तो केलोंग इज हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति। ऑन द ऑकेजन ऑफ 50th स्टेट ऑफ द ईयर नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जो है लाहौल वैली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन अगस्त 2021। वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विस मैन, तो देखिए हिमाचल देश को जो है जाना जाता है ऑफ वेलियर बहादुरी और पेट्रोटिज्म जो देशभक्ति रहती है हमारे सोल्जर मानते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ सोल्जर एंड एक्स सर्विस। लहू देखकर तिरंगे की बुलंदी को सुवारा है, फरिश्ते तुम वतन के हो तुम्हें सजदा हमारा है। वार म्यूजियम जो है देखिए कंस्ट्रक्ट हुआ है नियर द वार मेमोरियल धर्मशाला, हाउ एवर ये जो है यूज में नहीं है सम ईयर से, तो इस म्यूजियम को फुली इक्विप्ड किया जाएगा और पब्लिक को जो है सम ईयर में डेडिकेट किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन बिहार में जो न्यू इक्विपमेंट स्टार्ट किया जाएगा 2021-22। वर्क किया जाएगा टू सेटअप प्री कोचिंग सैनिक अकेडमी एट बर्चावर्ड मंडी टू ट्रेन यूथ टू गेट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस विल स्पीड अप और 2020-21 में 5 करोड़ जो स्पेंड ऑन दिस। नेक्स्ट आता है होम लॉ एंड ऑर्डर, तो वुमेन हेल्प डेस्क जो है एस्टेब्लिश किए जाएंगे 136 पुलिस स्टेशन अंडर निर्भया फंड 2021-22 और निर्भया की हमारी मिसाइल भी रहती है सबसोनिक क्रूज मिसाइल। दिस विल बी दी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर वुमेन विजिटिंग द पुलिस स्टेशन। और यहाँ पर बोलते हैं दिल और दिमाग में हमेशा ये बात रखिए, दूसरों की मदद के लिए जज्बात रखिए। इस बात ये सेवरल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स कंसर्निंग वुमेन वेलफेयर जो ये करते हैं, ये बोलते हैं कि आई अनाउंस दैट रिजर्वेशन जो रहती है वुमेन इन डायरेक्ट डिपार्टमेंट फॉर पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल्स एंड सब इंस्पेक्टर्स इन द पुलिस डिपार्टमेंट विल बी इंक्रीज टू 25% इन फेज मैनर। तो 25% तक जो है वुमेन रिजर्वेशन जो है की जाएगी इन पुलिस इन द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल्स एंड SI सब इंस्पेक्टर्स। जितने भी कंडेम्ड और कंडेम्ड व्हीकल जो रहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा 2021-22 टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्सिबल लाइफ ऑफ द पुलिस लाइफ इन द एमरजेंसी इन बेटर मैनेज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 30 करोड़ को स्पेंड किया जाएगा। इस बात बोलते हैं कि ये असेंशियल है टू कंटिन्यू अपग्रेड साइबर इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक सर्विस फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन एडवोकेट बजट विल बी प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस। 757 न्यू सीसीटीवी कैमरा जो इंस्टॉल किया जाएगा, सीसीटीवी मतलब कॉम्पैक्ट कैमरा टेलीविजन ये इंस्टॉल किया जाएगा एंड एग्जिस्टिंग 651 सीसीटीवी कैमरास विल बी अपग्रेडेड इन द ऑल पुलिस स्टेशन ऑफ द स्टेट टू चेक क्राइम एंड टू बेटर मॉनिटरिंग। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स रहते हैं वो मॉडर्नाइज होंगे और लिंक रहेंगे ईच अदर टू स्टेट हेडक्वार्टर्स। पुलिस डिपार्टमेंट्स विल वर्क ऑन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक जो मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा ITMS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए जो 9 करोड़ जो है स्पेंड किए जाएंगे। एक कॉम्प्रेहेंसिव जो नशा निवारण पॉलिसी जो है फ्रेम की जाएगी इन 2021-22 ताकि जो नशे की जो प्रॉब्लम है ड्रग एब्यूज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट एक नशा निवारण जो पॉलिसी है ये जो है एक फ्रेम की जाएगी 2021-22। ये डायरेक्ट हमारे मेन्स में लिखना होता है, मीन्स के सिलेबस में भी ये ड्रग मेनेंस जो रहता है हमारी कंट्री में वो रहता है, साइबर सिक्योरिटी भी रहती है मीन्स HPS के सिलेबस में, तो ये आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अगर पूछा जाता है नशा निवारण पॉलिसी 2021-22 फ्रेम की जाएगी और स्टेट लेवल के नशा निवारण फंड एस्टेब्लिश किया जाएगा। इस बात ये 50 करोड़ जो है फॉर पुलिस हाउसिंग पुलिस पोस्ट पुलिस स्टेशन फॉर इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है इन्होंने जो है एस्टेब्लिश करने की जो बात की। इस बात जो है न्यू ऑफिसर इंस्टीट्यूशन मैंने बात की कि 3 न्यू सब फायर स्टेशन 4 न्यू फायर पोस्ट विल बी एस्टेब्लिश होगी टू स्ट्रेंथन द फायर फाइटिंग सर्विसेज। इन एडिशन 17 न्यू फायर व्हीकल्स जो प्रोजेक्ट किए जाएंगे। इस बात ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो ओपन करेगी न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफिस ऑन द नीड्स इन बेसिस इन बेटर इनहेंस पेस ऑफ द डेवलपमेंट एंड टू इंप्रूव रीजनल डिस्पैरिटीज। फॉर दिस न्यू कॉलेज इज द डिविजन ऑफिस ऑफ जल शक्ति एंड PWD फार्मेसी कॉलेज डेवलपमेंट ब्लॉक्स तहसील सब तहसील पुलिस स्टेशन पुलिस पोस्ट एंड फायर स्टेशन एटसेट्रा विल बी ओपन फॉर दिस व्हेनेवर पॉसिबल एग्जिस्टिंग सोर्सेस विल बी यूज्ड एप्रोप्रिएटली। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की इसमें बात की कि जो इंपॉर्टेंट रहता है कि जितनी भी फंक्शनल पोस्ट है फेस मैनर में जो इनको जो फिलअप किया जाए, इसलिए सीएम अनाउंस करते हैं कि
हमारी सरकार जो 4,000 पोस्टों को जो फिलअप करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज इन हेल्थ डिपार्टमेंट, 4,000 पोस्ट डिफरेंट कैटेगरीज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, 8,000 जो मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट, 5,000 पोस्ट मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर्स इन पीडब्ल्यू, 5,000 पोस्ट पैराफिटर्स पंप ऑपरेटर्स एंड मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर्स इन जल शक्ति डिपार्टमेंट, इन एडिशनल फंक्शनल पोस्ट रहती है पुलिस पर्सन टेक्निकल स्टेट इन स्टेट डेस्क रिपोर्टर ड्राइवर्स कंडक्टर एचआरटीसी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर ऑप्शनल इन वैन डिपार्टमेंट डॉक्टर्स एंड ऑप्शनल इन एनिमल हस्बेंड्री स्टाफ और लोकल बॉडीज टेक्निकल सेक्शन ग्राम रोजगार सहायक इन पंचायत जो आईटी टीचर इंस्ट्रक्शन इन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और क्लास में इंप्लाइज। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एम्बिशियस टारगेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे स्टेट्स के अनइम्प्लॉयड यूथ के लिए 2021-22 में जो है 30,000 फंक्शनल पोस्ट को जो है सरकार ने जो फिलअप करने का जो टारगेट रखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रहता है अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे सिविल एविएशन होगी रेलवे होगी लैंड वाटर होगी तो डेवलपमेंट जो रहता है अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है नीड ऑफ हाव रहती है हिमाचल प्रदेश में सिविल एविएशन रेलवे जो टू एरिया है सिविल एविएशन का मतलब जो भी हवाई जहाज वगैरह मिलते हैं हवाई यात्रा वगैरह होगी वेयर बेनिफिट्स कैन बी रिफर टू सम एक्स्ट्रा फंड्स ठीक है। तो जो चंडीगढ़ बद्री रेल लाइन है वो इंपॉर्टेंट रहती है इन व्यू ऑफ द इंडस्ट्री डेवलपमेंट रिक्वायर्ड लैंड एक्विजिशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगी अलोंग द रेलवे 2021-22 लैंड एक्विजिशन रहती प्रोसेस जो रहती है भूमि अधिग्रहण की जो प्रोसेस रहती है अलोंग द लैंड ऑफ 20 किलोमीटर ऑन द बंदूपाली बिलासपुर रेल लाइन विल बी कंप्लीट 2021-22 द वर्क ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ 7 टनल्स एंड 18 ब्रिजेस अलोंग द फर्स्ट 20 किलोमीटर हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड एंड पेस ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी इंक्रीज्ड एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 करोड़ विल बी इंक्लूडेड ऑन दिस। इसके बाद ये बोलते हैं कि माई गवर्नमेंट हैज टू बाय इट्स कमिटमेंट टू डेवलप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन स्टेट द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस बिटवीन कसोल बिलासपुर रहता तो पानी हैज स्टार्टेड रिसेंटली तो कसोल जो बिलासपुर रहता है तो पानी जो रहता है सतलुज रिवर के ऊपर इनके बीच में जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू कर दी गई है और जो पॉसिबिलिटीज जो रहती है 22 पैसेंजर फिट इनलैंड ट्रांसपोर्ट सर्विस जो एक्सपोर्ट होगी ऑन ब्यास चिनाब रावी एंड सतलुज रिवर एंड इन बिग वाटर रिजर्व्स। इस बात ये बोलते हैं कि हमारी सरकार जो फोकस करती है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रोप इज इन स्टेटिंग द वेक ऑफ डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड इन द गेटिंग फॉरेस्ट अदर एंड वाटर क्लीयरेंसेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स जो पेस जो रहती है एग्जीक्यूशन ऑफ द बगलामुखी रोपे ये जो इंक्रीज की जाएगी तो बगलामुखी जो पंडो में लोकेटेड है मंडी में वहां पर जो है रोपे लगाई जाएगी स्टेट रोपे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो वर्क करेगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट रोपे टू इनेबल पैसेंजर्स एंड फ्रेट ट्रांसपोर्ट कैटरिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल लिविंग इन द रिमोट एरियाज ऑफ स्टेट। तो 25 करोड़ जो है डेवलपमेंट ऑफ रोपेज के लिए 2021-22 में जो रखी गई तो 25 करोड़ जो है रोपेज के डेवलपमेंट के लिए जो है रखे गए हैं। इस बात ये बोलते हैं कि हमारी सरकार जो वर्क कर रही है हिमाचल प्रदेश ऑन द सिविल एविएशन मैप ऑफ द कंट्री तो सारे सारे स्टेप जो किए जा रहे हैं टू इंश्योर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मंडी एयरपोर्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट ऑफ कांगड़ा कुल्लू एंड शिमला कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एयरपोर्ट्स 1,016 करोड़ रुपीज जो है सिविल एविएशन के अलॉट किए गए हैं बजट में। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना तो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना लास्ट ईयर जो है लास्ट बजट में जो है जो कि बजट था 2020-21 का उसमें अनाउंस की गई थी लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाई ड्यू टू द कोरोना कोविड की वजह से। तो इसमें सीएम बोलते हैं कि मैं प्रपोज करता हूँ सेंक्शन ऑफ 12,000 हाउसेज विद बेसिक एमिनिस्ट्री ड्यून 2021-2022 लास्ट ईयर नंबर जो 10,000 था अब जो है देखिए 12,000 हाउसेज बनाने का जो टारगेट रखा गया है अंडर दी मुख्यमंत्री स्वर्ण जयंती आश्रय योजना वैन पटेल। तो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत 12,000 जो है घर बनाए जाएंगे क्योंकि इसमें कोटेशन ही देते हैं सब चाहते हैं कि उनका एक घर उनका अपना एक घर हो मैं चाहता हूं सबका ये सपना सच हो। रिटेटिंग दी रिजॉल्व एक्सपेंस ड्यूरिंग लास्ट ईयर बजट सीरीज हमारी सरकार जो इंश्योर करेगी एलिजिबल एससी बेनिफिट्स टू गेट देयर ओन हाउसिंग यूनिट्स एट बाय द एंड ऑफ 2022 अमाउंट ऑफ 180 करोड़ जो है स्पेंड किया जाएगा इन 2021-22 फॉर दिस पर्पस व्हिच इज मोर देन प्रीवियस ईयर्स आउटलेट ऑफ 20 करोड़। एम्प्लॉइज वेलफेयर की क्या बात की इसमें इसमें सीएम ने बोला कि आउटलेट 36 करोड़ जो है फॉर द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो रहती है रेजिडेंशियल एकोमोडेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू मीट लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल पोस्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और ये बोलते हैं कि मैं प्रपोज करता हूं एंड आउटले 115 करोड़ टू मेंटेन गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड आउटले 42 करोड़ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इस बात ये बोलते हैं कि जो एनोमली जो रहती है सैलरीज में ऑफ कैटेगरी 4 इंप्लाइज जो रहते हैं आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस को रिमूव किया जाएगा और क्लास 4 जो इंप्लाइज रहेंगे वो जो है प्रमोशन के जो हकदार होंगे तो मिनिस्टर पोस्ट थ्रू टू चैनल्स लिमिटेड लिमिटेड डायरेक्टर रिक्वायरमेंट्स एंड प्रमोशन। और इस बात ये बोलते हैं कि जियो आई टी के लिए भी जो है प्रमोशन एलिजिबल रहेंगे। इस बात ये बोलते हैं कि जो भी पेंडेंसी है मेडिकल रीइंबर्समेंट्स क्लेम्स की रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की उसको जो है जल्दी से जो है क्लियर किया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ जो बजट में एलोकेट किया गया। इस बात इन्होंने बोला कि जो मिनिमम डेली बेस है ये देखिए हमारी स्टेट में पहले मिनिमम डेली बेस जो मजदूरी थी दिहाड़ी मजदूरी थी प्रतिदिन की वो मिनिमम 275 थी अब इसको मिनिमम जो है 300 रुपीज जो है सरकार के द्वारा जो है कर दिया गया। और इस बात ये बोलते हैं कि आवरली जो वेज रेट रहता है पार्ट टाइम वर्कर्स का इसको भी जो है अकॉर्डिंगली जो है बढ़ाया जाएगा। इसके बाद ये बोलते हैं कि ये जो अगस्त हाउस है इसमें जो एक्सप्लॉयटेशन जो रहती है आउटसोर्स एम्प्लॉइज की वो डिस्कस की गई है। इसके बाद हमने फाइनलाइज किया मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट एंड सबमिटेड टू ऑल दी डिपार्टमेंट सो दैट यूनिफॉर्म पॉलिसी जो फॉलो की जा सके इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। इसके बाद ये बोलते हैं कि लास्ट थ्री ईयर्स में
पर मंथ वेजेस रेट जो पेड होते हैं टू द डेली वेज वर्कर्स एंड आल्सो इंप्लाइज जो इंक्रीज हुआ अबाउट 2700 जो कि मोर देन 42% है। इस बात ये बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है मैंडेटरी गाइडलाइंस जो है इशू की गई है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द कैपेसिटेट ग्राउंड इंक्रीजिंग द इनकम लिमिट एंड आल्सो द एज लिमिट फॉर द एलिजिबिलिटी। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बताते हैं कि 2003 में ये स्कीम अनाउंस हुई थी जिसके बाद जो है लास्ट 3 ईयर्स में हमारी सरकार ने जो है एडिशनल बेनिफिट्स में दिए हुए हैं। इसमें जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन पहले 10% उसको 40% किया गया जिससे 200 करोड़ का एडिशनल भार जो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। इसके बाद सेकंडली जो है 2020 में हमने अनाउंस किया था कि डेथ और रिटायरमेंट ग्रेचुअल बेनिफिट जो अलॉड होंगे टू एनपीएस एम्प्लॉइज डायड और डायड पीरियड 2017 रिजल्टिंग एडिशनल एक्सपेंड 10 करोड़। और ये बोलते हैं कि हम जो है सिंपैथेटिकली कंसीडर करते हैं फर्दर डिमांड्स ऑफ एनपीएस एम्प्लॉइज। उसके बाद ये बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कमिटेड टू गिव रिवाइज्ड पे स्केल पेंशन टू एम्प्लॉइज पेंशनर ऑफ स्टेट। तो जो भी रिवाइज्ड पे स्केल जो रहती है जो कि पंजाब के तर्ज पर दी जाती है वो जो है जल्दी ही दी जाएंगी बोलते हैं। इसके बाद बजट एस्टिमेट्स की थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए जो सीएम है ये बताते हैं कि 1971-72 में हमारा जो बजट था वो सिर्फ और सिर्फ 80.18 करोड़ का था, लेकिन आज जो है 2021-2022 में जो है 50,192 करोड़ का जो है बजट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो है काफी बड़े गौरव का जो मैटर है। इस अगस्त हाउस में एंड पीपल स्टैंड दैट द गवर्नमेंट इज प्रेजेंटिंग अ बजट ऑफ मोर देन 50,000 ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 40 इयर्स ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस बात ये बोलते हैं कि रिवाइज एस्टिमेट जो रहते हैं 2021 की मैं आप बताना चाहूंगा। देखिए 2021 देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये जो प्रेजेंट जो बजट है ये सीएम के द्वारा जो है अनाउंस किया गया 2021-22 का, तो इसमें ये सारे के सारे एस्टिमेट्स होते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं होते हैं। जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगी 2022 में और जब नया बजट जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा 2022-2023 का, उसमें प्रीवियस बजट के रिवाइज एस्टिमेट्स बताए जाएंगे कि जो एक्चुअल कितनी इनकम रही और कितना एक्सपेंडिचर किया गया। तो इसमें बताते हैं कि रिवेन्यू शिप जो रही 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में ये 35,588 करोड़ की थी, जिसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इनके द्वारा जो 66,011 करोड़ का जो किया गया, 36,011 करोड़ का सरकार द्वारा खर्चा किया गया, जिसमें से 423 करोड़ जो है रिवेन्यू डेफिसिट जो इसमें जो देखने को मिला। और टोटल बजट जो था स्टेट का फॉर 2021-2022 ये जो है 50,192 करोड़ का है, जिसमें जो है रिवेन्यू शिफ्ट जो रहती है वो 37,028 करोड़ की रहती है और एक्सपेंडिचर जो है लगभग 38,491 करोड़ का जो रखा गया है, जिसमें 1,463 करोड़ का जो है फिजिकल डेफिसिट जो है 2021-22 में जो देखा जाएगा। और फिजिकल डेफिसिट टोटल जो एस्टिमेटेड है 2021-22 का ये 7,789 करोड़ है, विच इज 4.52% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना 4.52% ऑफ ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है फिजिकल डेफिसिट जो है सरकार ने अनाउंस किया हुआ है 2021-2022 में। इस बात ये बोलते हैं कि कोई भी नए टैक्सेस हमारे द्वारा जो प्रपोज नहीं किए गए हैं। इस बात ये बोलते हैं कि देखिए 2021-2022 में हर एक जो 100 रुपये जो सरकार की इनकम हुई, जो बजट सरकार के पास 100 रुपये का आया, उसमें से 25% या 25.31% जो स्पेंड ऑन सैलरीज के ऊपर, इंप्लाइज की सैलरीज के ऊपर स्पेंड होगा। इसके साथ साथ 14.11% या 14.11 रुपीज जो है पेंशन के ऊपर, 10 जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर और 6.64 जो है लोन की जो रीपेमेंट होती है उसके ऊपर, और 43.94 रुपीज या 100% में से 43.94% लगभग 44% के आसपास जो है डिवेंडमेंट बर्ड्स ऑफ द डायरेक्टर विजिट के लिए जो सरकार के पास पैसा बचा हुआ है। डिटेल बजट एस्टिमेट्स ऑफ फॉर द फाइनेंशियल 2021-22 जो है बजट डॉक्यूमेंट्स में दिए गए हैं, जो कि अगस्त हाउस में यहाँ पर जो है सबको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस बात ये बताते हैं कि कोरोना के द्वारा जो है रिवेन्यू स्ट्रीम जो काफी ज्यादा एडवर्सली जो इम्पैक्ट हुई, इससे जो इम्पैक्ट जो रहता है स्टेट के और रिवेन्यू के ऊपर जो है देखने को मिला, और इससे जो टारगेट जो फिक्स था फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट का वो जो है अचीव नहीं हो पाया। लेकिन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट में जो है रिलैक्सेशन दी जाती है एट द टाइम ऑफ इवेंचुअलिटी एंड नेचुरल कैलामिटीज। फिर ये बोलते हैं कि हम जो है गाइडेड होते हैं बाय द वैल्यू ऑफ वेलफेयर होती है, मासिक बोला जाता है लोगों को, आम लोगों को, और अवर कमिटेड टू आर द पब्लिक वेलफेयर, देयरफॉर बजट इज एस्टिमेट ऑफ एंटीसिपेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं होता है। ये जो है लिविंग डॉक्यूमेंट होता है टू फुलफिल द पब्लिक एक्सपेक्टेशन, जो भी पब्लिक उम्मीदें रहती है, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, वुमेन वेलफेयर, हाउसिंग फॉर ऑल, फार्मर्स वेलफेयर, क्वालिटी एजुकेशन, कनेक्टिविटी, फिजिकल डिजिटल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है फोकल पॉइंट्स आते हैं बजट के। एज ऑलवेज हमारी जो प्रायोरिटी रहती है फॉर द वेलफेयर एस सी एस टी एंड इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड ग्रुप्स, ये जो बजट है ये जो फिलिप एक प्रोत्साहन देता है टू द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय स्ट्रेंथनिंग इनिशिएटिव ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो टायरलेसली बिना थके वर्क कर रही है टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच एंड एवरी हिमाचली, और हम स्लोगन साथ वर्क करते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और ये गाइडिंग प्रिंसिपल रहता है। इसके बाद ये कोटेशन देते हैं, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो इसी तरह से ये बजट को जो कंक्लूड करते हैं।
अब देखिए लास्ट में बजट हाइलाइट्स दी जाती है, इनको मैं फास्ट क्लियर कर लेता हूं। तो बजट जो है 3092 करोड़ का रहता है, व्हिच इज मोर देन द बजट ऑफ द प्रीवियस ईयर डिस्पाइट कोरोना पेंडेमिक। वी शेप्ड रिकवरी इकोनॉमी में एक्सपेक्टेड है। सेवरल प्रोग्राम जो है 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड को सेलिब्रेट करने के लिए रखे गए हैं, और बजट जो है बेस्ड है फॉलोइंग के ऊपर: वुमेन एंड वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी नेट, स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज, इंक्रीजिंग इनकम ऑफ फार्मर्स, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वुमेन वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। देखिए सोशल सिक्योरिटी पेंशन रहती है 1000 पर मंथ की जो एलडी वुमेन्स को इन द एज ग्रुप ऑफ 65-69 ईयर्स अंडर स्वर्ण जयंती नारी संभाल योजना, एडिशनल अमाउंट ऑफ 5 करोड़ स्पेंड किया जाएगा। न्यू स्कीम जो रहती है शगुन, इसके तहत जो 31,000 जो एससी एसटी और बीपीएल जो रहते हैं ओबीसी के, इनको जो है मैरिज ग्रांट जो दी जाएगी। इसके बाद 50 करोड़ जो स्पेंड किया जाएगा शगुन स्कीम के ऊपर। ये नई स्कीम जो अनाउंस की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। टू गर्ल्स जो रहती है बीपीएल फैमिली की, उनको जो पोस्ट कर ग्रांट जॉब जो 21,000 एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी। सेवन इनिशिएटिव और स्कीम्स अनाउंस की गई फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, गैस सिलेंडर रिफिल 2-3 लाख फैमिलीज अंडर हिमाचल ग्रीन सुविधा योजना नेक्स्ट ईयर प्रोवाइड किया जाएगा। वुमेन हेल्प डेस्क जो स्टेब्लिश होंगे 136 पुलिस स्टेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन हेल्प डेस्क 136 पुलिस स्टेशन में स्टेब्लिश होंगे। निर्भया फंड 25% रिजर्वेशन जो वुमेन को जो कांस्टेबल एसआई की पोस्ट में प्रोवाइड की जाएगी। 250 बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट साकेस जो डेजिग्नेट होगी बाय द बैंक्स। एक्सपेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी नेट की बात करें तो 40,000 न्यू बेनिफिट्स टू बी ब्रॉट इन द सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स, एडिशनल अमाउंट 60 करोड़ जो इसको स्पेंड किया जाएगा। 6,60,000 बेनिफिशियरी टू गेट सोशल सिक्योरिटी पेंशन, टोटल एक्सपेंशन 1,050 करोड़ जो इंक्लूड होगा। एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विस की बात करें, पीएटी जो पॉजिट्रॉन जो इमिशन टेमोग्राफी जो रहती है जो कि कैंसर से रिलेटेड रहती है, आईजीएमसी शिमला में सेटअप की जाएगी। सिटी स्कैन एमआरआई मशीन जो है राजीव गांधी सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में जाता है, और सिटी स्कैन मशीन इन मेडिकल कॉलेज इन हमीरपुर नान में एस्टेब्लिश की जाएगी एट कॉस्ट ऑफ 70 करोड़। सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है चमियाना शिमला में, न्यू बड़ी ब्लॉक्स और ट्रॉमा सेंटर जो पीपल को, और पर्सन जिनकी एज जो है 70 ईयर से अबव है और फैंस हैं उनको हिम केयर में फ्री ऑफ कॉस्ट में फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसे पर्सन जिनकी एज 70 से ज्यादा है और चिल्ड्रन जो कि बाल आश्रम से रहते हैं और फैन चिल्ड्रन, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हिम केयर फैसिलिटी दी जाएगी। मिशन दृष्टि जो लॉन्च किया गया है ताकि फ्री आई चेकअप जो है गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड हो सके, और फ्री स्पेक्टेकल्स भी स्टूडेंट्स को दी क्लास ऑफ 6-10 प्रोवाइड किए जाएंगे। डिटेल स्टडी कंडक्ट की जाएगी कोलैबोरेशन नीति आयोग टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मेल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन एंड वुमेन स्टेट। 250 करोड़ जो स्पेंड किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विस सच एज आयुष्मान भारत, हिम केयर, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायक कोर्स, फ्री मेडिसिन, सारा सामान, इनकम ऑफ फार्मर्स को इंक्रीज करेंगे। स्वर्ण जयंती समृद्ध भागवान योजना लॉन्च की गई है जिसके तहत जो है हाई डेंसिटी फूड प्लांट्स जो है रीजनेबल प्राइस के ऊपर जो फार्मर्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोटेक्शन एंटी हेडनेट स्कीम जो रहती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोटेक्शन हेडनेट जो स्कीम रहती है उसमें 60 करोड़ स्पेंड किए जाएंगे, 80% सब्सिडी दी जाएगी। फॉर प्रमोटिंग रिसर्च इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिसर्च फंड जो है 5 करोड़ का सेटअप किया जाएगा बहुत यूनिवर्सिटीज। वर्ल्ड बैंक फंड जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहता है उसमें 5 लाख फूड प्लांट्स जो इंपोर्टेड किए जाएंगे। स्मॉल इरीगेशन स्कीम फॉर 8,000 हेक्टेयर कमांड एरिया डेवलप किया जाएगा। जिन रिपोजिटरी इस्टेब्लिश होगी नोनी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नोनी, उसके बाद एप्पल जूस कंसल्टेंट लाइन जो है पाला प्लांट जो है शिमला में इस्टेब्लिश किया जाएगा। 50,000 न्यू फार्मर्स जो है ब्रॉड होंगे अंडर दी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। मिल्क प्रोफंड प्राइस जो है 2 पर लीटर से जो इंक्रीज कर दिया गया टू इंक्रीज फार्मिंग की सब। कंस्टिट्यूशन एंड एक्सपर्ट ग्रुप टू रिस्ट्रक्चर वेरियस स्कीम्स एंड इनहेंसिंग इनकम ऑफ फार्मर्स। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना की बात करें तो 12,000 बेनिफिशियरी को जो है हाउसिंग प्रोवाइड कराए जाएंगे विद बेसिक फैसिलिटीज। 2022 तक जितने भी इलिजिबल एप्लीकेंट ऐसी कैटेगरी में वो हाउसिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। प्राइवेट जनरेशन की बात करें तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 100 करोड़ जो स्पेंड किए जाएंगे। 7,000 अनप्लॉयड यूथ को जो है इंप्लॉयमेंट जो प्राइवेट सेक्टर में थ्रू रोजगार में कैंपस प्रोवाइड की जाएगी। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड टू बी एक्सटेंडेड टू इंक्रीज सेशन टू मोर वर्कर्स। उसके बाद ये बोलते हैं कि हमारी सरकार कैप्टन के डाटा फिल 30,000 फंक्शन बोर्ड जो है फिलअप जो है की जाएगी। 1 रजिस्ट्रेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट लोन्स एंड इंडस्ट्री स्किल डेवलपमेंट लोन्स की जाएगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वे साइड एमिनिटीज हिमाचल हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स सेल सेंटर डेवलप किए जाएंगे। नियर टर्न फॉर कन्वेंस ऑफ टूरिस्ट 5,000 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्क जो इंक्रीज होंगे। फंडेंस ऑफ रोड ग्राउंड ब्रेकिंग एमओयू 10,000 करोड़ के सुन होंगे। वर्क ड्रग पार्क जो इस्टेब्लिश किया जाएगा उन्नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क ड्रग पार्क उन्नाम इस्टेब्लिश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो नालागढ़ में टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3,125 मेजर रूरल रोड जो अपग्रेड किए जाएंगे। डब्ल्यू मेटल बीम क्रैश बैरियर जो रहते हैं वो इंस्टॉल होंगे 140 किलोमीटर पे। टारगेट ऑफ ब्रिंगिंग टोटल रोड लेंथ 40,000 किलोमीटर एंड 34,000 किलोमीटर रोड बाय 2022। ड्यूरिंग 2022 पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल कैरी आउट मेंटेनिंग एट 2,000 किलोमीटर रोड, कंस्ट्रक्शन 1,000 किलोमीटर मोटर रोड्स, क्रॉस ड्रेनेज ऑन 945 किलोमीटर रोड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 80 ब्रिजेस रोड लिंक्स एट 90 ब्रिजेस, ऑपरेशन ऑफ 800 किलोमीटर रोड एंड इंक्रीजिंग द लाइफ स्पैन बाय रिन्यूअल ऑफ 2,200 किलोमीटर रोड। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स टू बी स्टार्ट इन शिमला धर्मशाला एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीट टू बी डेडिकेटेड। न्यूली फॉर्म जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है सोलन पालनपुर मंडी उनको स्पेशल ग्रांट ऑफ 1 करोड़ ईच दी जाएगी। फॉर न्यूली कंस्ट्रक्टेड नगर पंचायत के लिए 20 लाख दिया जाएगा। कंप्लीट सीवेज स्कीम्स और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किए जाएंगे और ये डेडिकेटेड होंगे। इसके बाद स्वर्ण जयंती जो ऊर्जा नीति जो रहती है टू बी ब्रॉट एंड पावर विजन डॉक्यूमेंट जो 12 प्रिपेयर किया जाएगा। इनिशिएटिव किया लिए जाएंगे 250 क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई, मल्टीमीडिया
पब्लिसिटी कैंपेन एंड हाईलाइट लोकल अट्रैक्शन फॉर रिवाइवल ऑफ टूरिज्म। 19 टूरिज्म स्कीम्स जो मनाली, जंजाली, मंडी, धर्मशाला, क्यार घाट, ज्वालामुखी, कांगड़ा, शिमला, चंबा, बीड, बिलिंग, विद कॉस्ट ऑफ 100 करोड़ जारी दिखी जाएगी। थ्री मोर डिस्ट्रिक्ट सोलर व्यू ब्लास्ट वुड बी कवर्ड एंड कंप्लीट इन जल जीवन मिशन। बजट ऑफ 1016 करोड़ जो कंस्ट्रक्शन मंडी एयरपोर्ट एंड एक्सपेंशन शिमला कुल्लू धर्मशाला एयरपोर्ट के लिए जाएगा। अर्बन एरियाज में इंपॉर्टेंट थी ओडीएफ ओपन इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड थ्रू इफेक्टिव बेस्ड बजट। 200 ओल्ड बस विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू बस इलेक्ट्रिक बसेस। 200 करोड़ जो स्पेंड किया जाएगा फॉर एक्सपेंशन रेल लाइंस। एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट वेलकम्स नेशनल एजुकेशन 2020 एंड रिजॉल्व टू इंप्लीमेंट टॉप 100 स्कॉलरशिप स्कीम जो स्टार्ट की जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट 100 मैथ लैब्स स्कूल्स, कोचिंग एंड करियर काउंसलिंग क्लासेस फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। हिम दर्पण शिक्षा एकत्रित पोर्टल जो एस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर मेकिंग एजुकेशन सिस्टम मोर इफेक्टिव। डाइट मनी जो है पार्टिसिपेंट के बेस्ट टूर्मेंट और डबल की गई। 100 क्लस्टर स्कूल 69 कॉलेज भी ब्रॉड एंड स्पॉन जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर उत्कृष्ट विद्यालय योजना। 8 टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज्योरी सुंदरनगर कुमार सेनर की गंगाधर सो ग्रह बांधला द कॉस्ट ऑफ 400 करोड़ कंप्लीट एंड डेडिकेटेड। ऑनरियम जो रहता है एसएनसी टीचर का एंटी टीचर का वो जो है इंक्रीज किया गया। अदर जिसमें देखिए इंक्रीज इन ऑनरियम आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स, पार्ट टाइम वर्कर्स, नंबरदार जो रहते हैं इनका इंक्रीज किया गया। टू ब्रिज दी रीजनल इंपॉर्टेंस इन न्यू कॉलेज रीजनल ऑफिसर जल सकने एपीडब्ल्यू फार्मेसी कॉलेज डेवलपमेंट ब्लॉक तहसील सब पुलिस स्टेशन पुलिस पोस्ट फायर स्टेशन ओपन किए जाएंगे। दे विल बी रिसोर्सेज विल बी आल्सो यूटिलाइज्ड एज फॉलो पॉसिबल। विकास में जन सहयोग जो स्कीम है उसका 8 लीजर डबल किया गया। फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड जो एस्टेब्लिश किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन पंचायत घर से न्यूली क्रिएटेड पंचायत प्रपोजल टू ब्रिंग होलिस्टिक डिएलेक्शन पॉलिसी क्रिएशन ऑफ नशा निवारण फंड। मिनिमम डेली वेज जो है 300 पर डे कर दी गई। 275 से इसको 300 जो है कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होंगे पुलिस स्टेशन में। स्टेप टेकन किए जाएंगे टू स्टॉप एक्सपेक्टेशन आउटसोर्स वर्कर्स। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। बजट को हमने कंप्लीट एनालिसिस बजट की 3 लेक्चर्स में कर दी है। इसे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन मुझे उम्मीद नहीं है कि बजट से आएगा। तो आप इन वीडियोस को काफी केयरफुली और काफी जो है अटेंटिव होकर जो है देखिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। बिकॉज वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प करते रहिए। और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूं तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।